मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता रहे हैं। वो जीवन भर गरीबों और किसानों के प्रति अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आने वाले पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संस्थापक शिवपाल सिंह यादव, जो कि आदर्श हैं। खास मुलाकात के मेहमान प्रदेश महासचिव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से विनीत शुक्ला बीनू जी। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहा विनीत शुक्ला बीनू जी ने। वक्त हमें क्या तोलेगा, हर जर्रा जर्रा बोलेगा। ये वक्त हमें क्या तोलेगा, हर जर्रा जर्रा बोलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्हें न्यूज़ में। मनीषा, आप सभी का स्वागत करती हूँ उन्हें न्यूज़ के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। और हमारे आज के मेहमान हैं विनीत शुक्ला बीनू जी, जो कि प्रदेश महासचिव हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में जी। जैसा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, सर आपके राजनीतिक सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें। हम लोग पहले समाजवादी, शुरू से हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे जी। सन 1995 से राजनीति की शुरुआत हुई। इससे पहले समाजवादी पार्टी में स्टेट सेक्रेटरी पद पे थे जी। वहाँ से शिवपाल जी के साथ जब अन्याय हुआ तो हम लोग वहाँ पे अपने प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा दे के हम लोग शिवपाल जी के साथ में शामिल हो गए जी। और शिवपाल जी में हम लोग पूरी आस्था रखते हैं। शिवपाल जी ने हम लोग पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में शिवपाल जी के साथ में जुड़े और लगातार उनके साथ में प्रदेश में जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पे उतरने का काम कर रहे हैं जी। सर, हर व्यक्ति में ऐसे कुछ खास बातें होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं या जिनसे हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सर, शिवपाल जी की बात करें तो किन बातों को लेकर आप उनसे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? शिवपाल जी हमेशा गरीब कार्यकर्ता की लड़ाई हमेशा सड़कों पे लड़ते रहे जी। उन्होंने कभी भी कोई कार्यकर्ता झूठ नहीं बोला। हमेशा अन्याय की लड़ाई सड़क से लेके गांव तक की लड़ाई उन्होंने लगातार लड़ी है। इसलिए हम लोग शिवपाल जी के साथ में हैं। उनके साथ में जो अन्याय हुआ है उसके साथ हम लोग हैं जी। सर, शिवपाल जी की बात करें तो आप उनके साथ जुड़े हैं, तो सर क्या क्या समस्याएं आप देख रहे हैं समाज में कि सबसे ज्यादा क्या उभर के सामने आ रहा है? समाज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जी, गरीब पटरी दुकानदारों के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है जी। किसानों के साथ में लगातार अन्याय हो रहा है। किसान अपनी फसल का मूल्य उसको आज तक नहीं मिल पा रहा है जी। हम लोग बराबर, हम लोग गांव शहर सड़क तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जी। जी सर, आगे भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी आपने बताया कि किसान हैं, बेरोजगार हैं लोग, तो सर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अगर आती है सर तो क्या क्या उनके लिए जो समस्याएं हैं उसका निदान कर पाएगी? प्रगतिशील पार्टी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो अपने बेटों में कहा है कि जिसका जहां पे भी जिसके साथ में अन्याय होगा वही उसके साथ में समाज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी जी। जी सर, आगे भी आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या आपने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि राजनीति में उतरना है? जी जी, हम लोग एक छोटे किसान घर में पैदा हुए, कभी सोचा नहीं था। मगर आपको बताएं, एक जगह पे जब अन्याय हो रहा था छात्र जीवन में, तो लगभग कक्षा 10 में हम लोग थे जी। वहाँ पे अन्याय हो रहा था, उस समय हम लोग की उम्र बहुत कम थी। वहीं से हम लोगों ने राजनीति में प्रवेश कर दिया था जी। और जहाँ अन्याय होगा गरीब के साथ में वहीं पे हम लोग लड़ने का कार्य करते हैं जी। सर, आगे भी आपसे जाना चाहेंगे सर, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें सर, कि कैसे आपने शुरुआत किया, कौन कौन सपोर्टिव रहा आपके राजनीतिक जीवन के लिए? हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं, सबसे बड़ी हमारी मदद की, और माता जी ने हमारी राजनीति में बहुत मदद की जी, बढ़ाने का हमको कार्य किया जी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप शुरुआत से ही किसान फैमिली से रहे हैं सर, राजनीतिक सपोर्ट नहीं रहा है, तो सर कितना टफ रहा आपको राजनीति में उतरना और राजनीति को समझना? राजनीति में तो बहुत सी कठिनाइयाँ आई जी, हम लोगों ने डट के उसका मुकाबला किया। कभी हम लोगों ने किसी को धोखा देने का काम नहीं किया, किसी को अंधेरे में रखने का काम नहीं किया जी। राजनीति की पात्रता हम लोगों ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ में कार्य करने का काम किया जी।
सर देखा जाए तो आज के टाइम में जो राजनीतिक शब्द है बहुत ही ज़्यादा घृणित होता जा रहा है, लोग उससे घृणा कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके शब्दों में बात करें तो सर राजनीति क्या है? राजनीति देखिए, पहले ईमानदारी बहुत जरूरीपन है। बहुत से लोग राजनीति को उन्होंने पेशा बना दिया है। राजनीति को पेशा नहीं होना चाहिए, राजनीति को ईमानदारी के तहत कार्य करना चाहिए। चलिए सर, हम चाहेंगे जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, हमारे ऑडियंस के लिए आप अपनी तरफ से कोई मैसेज दें कि कैसे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उनके लिए खड़ी है, तत्पर है, और आप कोई मैसेज देना चाहते हैं। प्रगतिशील पार्टी पूरे प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रगतिशील पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश और देश में कई जगह पर चुनाव लड़ रही है। अगर प्रगतिशील पार्टी केंद्र में सत्ता में भागीदारी बनी तो हम लोग जो किसान आज शहरों में आके उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, हम लोग गांव में उसी को रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे प्रगतिशील पार्टी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से जो है प्रदेश महासचिव विनीत शुक्ला बीनू जी, जिन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का जो मैसेज था वो लोगों तक पहुँचाया और दर्शकों से ये निवेदन किया कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को जिताएं और कैसे उनके लिए हमेशा तत्पर है, किसानों के लिए तत्पर है। इसके साथ मुझे यानी मनीषा को दे इजाजत, बने रहने वाले न्यूज़ पर।